अंडा सेना मुहावरे का अर्थ क्या है? अयोग्य होना, व्यर्थ की बातें करना, घर में बेकार बैठना, या फिर जानबूझकर गलती करना। तो अंडा सेने का मतलब है घर में बेकार बैठे रहना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपने सुना भी होगा क्या बैठे बैठे अंडे से रहे हो, कुछ काम धाम तो भी कर लो, उसी को बोलते हैं अंडे सेना या फिर अंडा सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का तात्पर्य क्या है? दिखाई न देना, धोखा देना, विश्वास करना, या फिर आंखों में धूल पड़ जाना। तो आंखों में धूल झोंकने का मतलब है धोखा देना, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? फसल, बालिका, शराब, या फिर पत्थर। पूछा गया पुल्लिंग शब्द, तो जो पत्थर है वो पुल्लिंग है, बाकी फसल, बालिका और शराब स्त्री लिंग है। स्त्री लिंग शब्द इसमें पूछा गया है चुनाव, जहाज, झंकोर, या फिर दिनचर्या। तो इसमें दिनचर्या जो है स्त्रीलिंग है, बाकी चुनाव, जहाज और झंकोर पुल्लिंग शब्द है। इस तरह से ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। कौन सा अलग अर्थ प्रकट करता है? पुरंदर, कौशिक, देवराज, या फिर मारुत। तो इन तीनों में जो चारों में जो अलग अर्थ प्रकट कर रहा है वह मारुत है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, नहीं है पूछा गया है, आकाश, वस्त्र, बादल, या फिर प्रकाश। तो अंबर का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वह प्रकाश है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। उद्देश्य निशाना निम्न से किसके अनेकार्थी शब्द हैं? आरंभ, लक्ष्य, वंशी, या फिर भाव। तो लक्ष्य को उद्देश्य भी बोलते हैं और निशाना भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में टारगेट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का पहचानना है? प्रदर्शनी, 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 या फिर प्रदर्शनी। तो क्या होगा? होगा प्रदर्शनी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमदिनी, या फिर कुमदुनी। तो क्या होगा? वो कुमुदिनी होता है, ऑप्शन सी विल बी राइट। घनश्याम में समास क्या है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, या फिर अव्ययी भाव समास है। तो घन यु श्याम इसको संस्कृत बोलते हैं, घनश्याम में बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर यानी कि रात में विचरण करने वाला, या फिर निशा में विचरण करने वाला। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, या फिर कर्मधारय, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन वी विल बी करेक्ट। दही बड़ा में समास बताना है। दही बड़ा, इसका जो विच्छेद होता है, दही में डूबा है जो बड़ा, संधिच्छेद क्या होगा? दही में डूबा है जो बड़ा, उसी को बोलते हैं दही बड़ा। तत्पुरुष, दिगु, बहुव्रीहि, या फिर द्वंद्व। तो दही में डूबा हुआ बड़ा इसमें समास है, यानी कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, वह कौन सा समास होता है? वह द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आकलन शब्द का विलोम बताना है? विकलन, संकलन, समाकलन, या फिर प्राकलन। आकलन का विकलन होता है, आपको भली भांति पता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। धनी का विलोम शब्द है? धनहीन, अधीन, अधनी, या फिर निर्धन। तो धनी का विलोम निर्धन होता है, ऑप्शन डी करेक्ट। अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? सुलोम, प्रतिलोम, अनलोम, या फिर अवलोम। सॉरी, तो अनुलोम शब्द का विलोम हो जाएगा प्रतिलोम, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। वानर, बंदर, भ्रमर, या फिर पवन। तो इनमें जो तद्भव है वह बंदर है, ऑप्शन बी करेक्ट। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? विष्णुदास, विष्णुदास, केशवदास, सूरदास, या फिर नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार हो नाभादास, डी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध बताना है, इसमें से वाक्य कौन सा शुद्ध है? गलियों को चौड़ा करना, परशुराम के क्रोध आदमी ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, या फिर डी है खेतों में लंबे लंबे घास उग आए। कौन सा वाक्य शुद्ध बताना है इसमें। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का ध्यान रखेंगे। इसे पूछा गया शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आइए देख लेते हैं कौन सा है। गलियों को चौड़ा करना, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या है करेक्ट है। गलियों को चौड़ा करना शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में संधि बताना है, क्या गुण संधि है, वृद्धि संधि है,
यण संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो विद्यार्थी क्या होता है, विद्या धन अर्थी होता है इसका संधि विच्छेद, ये भी जान लीजिए। विद्यार्थी क्या इसमें हो क्या रहा है, देखिए अ आ धन अ मिलकर क्या होता है, आ होता है, ठीक है, इसमें दीर्घ हो रहा है, इसमें कौन सी संधि है, इसमें दीर्घ संधि है, संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है विद्यार्थी में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कानन का पर्यायवाची शब्द है, कानन किसे बोलते हैं, वन, विहिप, इनमें से कोई नहीं या फिर पुष्प। तो कानन का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा वन, वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है, वाक्य विग्रह का, वाक्य खंडों को अलग करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, वाक्य रचना करना, संधि और समास बताना, शब्दों को जोड़ना। तो देखिए वाक्य रचना करना तो नहीं होगा, संधि और समास बताना हो सकता है लेकिन ये भी नहीं होगा, शब्दों को जोड़ना यानी कि अलग करेंगे तो जोड़ेंगे कहाँ से, तो बचा कौन सा, ये वाला बच रहा है, इसमें क्या होगा, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, कौन सा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, बिन पगु चले सुने सुन बिन काना, इसमें बताना है, देखिए बिन पग, बिन पग यानी बिना पग के चले सुने बिन काना, यानी कि बिना पग के चलता है, बिना पैर के चलता है और बिन कान के सुनता है, कर बिन करे, कर बिन कर्म करे विधि नाना, इन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, आइए देख लेते हैं। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, असंगति, विशेष विशेषोक्ति, दृष्टांत या फिर विभावना, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें है विभावना अलंकार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, व्याख्या विधि, अनुध्वनि विधि, समवेत, समवेत पाठ विधि, ध्वनि साम्य विधि, बताना है कौन सी निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, कौन सी विधि नहीं है इसमें, तो व्याख्या विधि जो है वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, धैर्य पूर्वक सुनना, साहित्य का रसा स्वादन करना, रसा स्वादन करना, भाषा और साहित्य में रुचि, या फिर डी है विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, इसमें क्या है भाषा और साहित्य में रुचि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है, भक्तों में सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी या फिर भक्तों की भीड़ जा रही थी, बताना आपको, भक्तों की भीड़ जा रही थी क्या होगा इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की मंडली होती है, भीड़ नहीं होती है, भक्तों की सेना नहीं होती है, भक्तों की टुकड़ी नहीं होती है, भक्त सेना किसकी होती है, आर्मी की होगी या फिर किसी फोर्स की होगी, जो टुकड़ी होगी वो भी किसी आर्मी या फिर फोर्स की होगी, भीड़ किसकी होगी, भीड़ जनता की होती है, लेकिन भक्तों की क्या होती है, मंडली होती है, इस तरह से ऑप्शन बी क्या है सही है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द क्या है, उपनिवेश, उपनिवेशिक, औपन्यासिक, औपनिवेशिक या फिर उपनिवेशवाद, तो जिसका उपनिवेश संबंध हो उसको क्या बोलेंगे, औपनिवेशिक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है, चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभार या फिर कृतार्थ, तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने के लिए होने पर संतुष्ट होना उसके लिए एक शब्द क्या है वो जाएगा चिर प्रसन्न, ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। तोता का बहुवचन है तोते, तोतो, तोतो या फिर तोते, जो तोता का जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा तोते, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गुड़िया का बहुवचन है गुड़िया, ये सारे शब्द बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया या फिर गुड़िया, तो जो गुड़िया का बहुवचन हो जाएगा वो जाएगा गुड़िया, ऑप्शन नंबर बी का। निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है, तपोगुण, रामायण, अतत्व या फिर सज्जन, तो जिसमें स्वर संधि हो जाएगा उसमें रामायण में क्या है, रामायण में स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सु प्लस आगत से शब्द कौन सा बनेगा, सु प्लस आगत से पूछ रहा है, सुआगत, स्वागत, सौ आगत या फिर सोवगत, तो सु प्लस आगत से जो शब्द बनेगा वो स्वागत बनेगा,
आपने पढ़ा होगा बहुत सारी जगह स्वागतम, इसमें स्वागत पूछा गया है। सु प्लस आगत का मतलब होता है स्वागत। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। कलम तोड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है, कलम तोड़ना पूछा जा रहा है, इस मुहावरे का जो उचित अर्थ है वो बताना आपको। तो कलम तोड़ने का मतलब क्या है, कलम का टूट जाना, गुस्से से कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना, या फिर लिखते समय कलम का टूट जाना। तो जब भी कोई अच्छा या फिर सुंदर लिखता है तो आपने कई लोगों सुना होगा, तुम बोलते हो तुम तो कलम ही तोड़ दिया, तुम तो कलम ही तोड़ दिए हो, यानी कि बहुत अच्छा लिखे हो। ऑप्शन क्या है, सी क्या है इसका, करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा लिखना क्यों बोलते हैं, कलम तोड़ देना। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़ या फिर भूखड़। अशुद्ध बताना है कौन सी है, देखिए बहुत सारे लोग लंगड़ लगा लेंगे, लेकिन लंगड़ वाला सही है, बुझक्कड़ भी सही है, कोंकड़ भी सही है, लेकिन जो भूखड़ है, भूखड़ इस तरह से होगा, भूखड़। ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुलिंग नहीं है, पुलिंग नहीं है पूछा गया है, भाषण, भंडे, मच्छर या फिर आग। पुलिंग बताना है कौन सा नहीं है, भाषण भी पुलिंग है, मच्छर भी पुलिंग है, औलाद भी पुलिंग है, भंडे क्या है, नहीं भंड नहीं होगा इसमें, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी,